हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेकी सम चैनल के एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो जो है ये HTML प्रोग्रामिंग सीरीज का दूसरा पार्ट है, और इसमें हम लोग जानेंगे HTML एलिमेंट्स के बारे में कि वो क्या होता है और उसका यूज क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HTML में जो एलिमेंट होता है वो HTML कोड का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे कि एक घर का बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक्स होते हैं, उसी तरीके से एलिमेंट्स जो है HTML का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मीन्स एलिमेंट्स बन करके HTML कोड पूरा तैयार होता है दोस्तों। और दोस्तों, जिस तरीके से घर में बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रिक होते हैं और वो सब जुड़े हुए होते हैं सीमेंट मिक्सर के द्वारा, उसी तरह एलिमेंट्स जो है दोस्तों उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टैग्स के द्वारा। दोस्तों, हम लोग आने वाली वीडियो में टैग्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो HTML के एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। मीन्स अगर आप एक एलिमेंट को देख लीजिएगा तो आप पहचान लीजिएगा कि ये एलिमेंट किस चीज़ के लिए यूज होता है। जैसे पी एलिमेंट जो है ये पैराग्राफ के लिए यूज होता है, तो आप पी से अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि इसका यूज क्यों होता है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों कि HTML में एलिमेंट्स क्या होता है। अब HTML में जो एलिमेंट्स हैं उसके दो प्रकार होते हैं, पहला कंटेनर एलिमेंट्स और दूसरा एम्प्टी एलिमेंट। तो जब आप HTML कोड को जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसमें देखिएगा, तो पहला जो कोड है दोस्तों, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दो एक एलिमेंट है जिसके अंदर में कुछ कंटेंट जा सकता है। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हो, या इसमें कोई कंटेंट आ सके इसके अंदर, तो वैसे एलिमेंट्स को कंटेनर एलिमेंट्स कहते हैं। तो ओपनिंग टैग आप लोग देख सकते हैं कि जहां से शुरू हुआ है, और क्लोजिंग टैग में सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर दिया गया है दोस्तों। उसी जगह दूसरा एलिमेंट जो है वो है एम्प्टी एलिमेंट। तो दूसरे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक क्लोजिंग टैग है दोस्तों। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं रह सकता, तो इस तरीके से उसको एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से आप उसके नाम से भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कंटेनर एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको एलिमेंट समझ में आ गया होगा कि वो क्या होता है, और उसके टाइप्स भी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा HTML टैग्स के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।